गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे आर रिलेटेड टू लिटरेचर एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे ऑफ द वीक आर रिलेटेड टू ग्रामर। सो स्टूडेंट्स, टूडे इज द टर्न ऑफ ग्रामर एंड आई विल टीच यू नाउन नंबर। इन द लास्ट सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉट यू नाउन, देन काइंड्स ऑफ नाउन, आफ्टर दैट नाउन नंबर, हाउ कैन यू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज रिलेटेड टू नाउन नंबर। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड लिसन, वॉच ऑन द बोर्ड। द एक्सरसाइज इज सच टाइप, द फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज, द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट बॉयज आर राइटिंग इन, बॉयज आर द बॉयज आर writing in, the boys are writing in copy book, copy such type of sentences here you have to do underline the noun, you have to find out in the particular noun which word is noun। अंडरस्टैंड, यानी आपको एक लाइन दी गई होगी, उस लाइन में आपको नाउन फाइंड करना है कि नाउन है तो क्या है, ठीक है, उसमें अंडरलाइन करना है और ये बताना है स्टेट वेदर द नाउन इज सिंगुलर ऑफ प्लूरल, स्टेट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। जो आप नाउन फाइंड आउट करोगे वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको बताना है। जैसे ये पर्टिकुलर लाइन है, द बॉयज आर राइटिंग इन द कॉपी बुक, तो इसमें नाउन क्या है इस पूरे सेंटेंस में, उसमें अंडरलाइन करना है, एक करके आपको बता दे रहे हैं। ये बॉयज क्या हुआ, नाउन हुआ, और ये बॉयज कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन, ठीक है, क्योंकि बॉयज के साथ क्या लगा, एस लगा, तो किसी भी वर्ड में एस या ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल था जो कि लास्ट वीडियो में हुआ, ठीक है, इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, a little girl is playing with a little girl is playing with स्टूडेंट से आपको एक्सरसाइज आपकी ग्रामर बुक से कराई जा रही है, इस तरह की आपके पास ग्रामर की बुक होगी आपके सिलेबस की, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हो रही है। अगर लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, विद हर फ्रेंड, इसमें भी आपको अंडरलाइन करना है नाउन को, अंडरलाइन करने के बाद आपको बताना है कि नाउन जो अंडरलाइन किया है वो सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। थर्ड नंबर, काउस गिव मिल्क, काउस ये हो नहीं, इसमें भी आपको ये करना है। और देयर आर मैनी हाउसेस इन दिस स्ट्रीट, देयर आर मैनी हाउसेस इन दिस स्ट्रीट, इसमें भी आप
आपको ये करना है, यानी हर सेंटेंस में आपको नाउन फाइंड आउट करना है और ये लिखना है कि नाउन किस तरीके का है। फाइव नंबर, देयर आर फाइव कप्स ऑन द टेबल, देयर आर फाइव कप्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट वन इज सिक्स नंबर, द रूम हैज फोर वॉल्स एंड टू डोर्स, द रूम हैज फोर वॉल्स एंड टू डोर्स। All the imports are new. All the imports are new. Students, I can erase. Students, new sentence is that I have three balls. I have three balls. But only two bats. But only two bats. There are 7 days in a week. New sentence is there are 7 days in a week. Ten number, this book has this book has 64 pages, 64 pages. Students, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये 10 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको करेक्ट नंबर लिखना है। पहले तो आपको अंडरलाइन करना है, पर्टिकुलर लाइन में नाउन है क्या, अगर नाउन है तो उसे अंडरलाइन करना है और उसी अंडरलाइन वाले वर्ड का ये बताना है कि वो वर्ड सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल के लिए बहुत एक बार और से रूल रिवाइज कर दें। मोस्टली वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस या ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो को बताया था मैंगोज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है, रूम का रूम्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आर ई एल लगा करके या ई एल लगा करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे चाइल्ड है तो आर ई एन ऐड कर देंगे चिल्ड्रन हो जाएगा, बॉक्स है तो ई एन ऐड कर देंगे बॉक्सन हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ बताया गया था, अगर लास्ट लेटर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल कंसोनेंट है तो उस वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लिख देते हैं। अगर बॉडी लिखा हुआ है बी और डी वाई, वाई को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, आई ई एस कर देंगे, बॉडीज कर देंगे। लेडी लिखा हुआ है तो लेडी को लेडीज कर देंगे, ठीक है। अगर यही वाई लिखा हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आ जाए फिर हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस लगा करके ही प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो देखा होगा जैसे मंकी लिखते हैं तो मंकी में या की में या डंकी में, इस सब में लास्ट में तो वाई होता है लेकिन वाई के ठीक पहले एक वावेल होती है ई होती है, इसलिए उसमें एस या एस लगा करके ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर यू एम आ जाए, ठीक है, यू एम आ जाए तो यू एम वाला जो वर्ड होगा वो सिमिलर होगा। अगर उसको प्लूरल बनाना है तो यू एम को हटा करके
आई ए ऐड कर दें या केवल ए ऐड कर दें, ठीक है। जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया वर्ड सुना, बैक्टीरिया आपका प्लूरल वर्ड है, इसका अगर सिंगुलर रहा होगा तो बैक्टीरियम रहा होगा, यानी यू एम को रिप्लेस किया गया, आई ई ऐड कर दिया गया, तो बैक्टीरियम का क्या बन गया, बैक्टीरिया बन गया। इसी तरह से अगर यूएस लिखा हो तो आई कर देते हैं, फंगस का फंगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो ये एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज करके लाना है। स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइज और आपको दी जा रही है जिसमें आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ड लिखने, ये एक्सरसाइज टू है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, राइट द प्लूरल, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट इनके आपको प्लूरल लिखने हैं। बेबी ऐसे लिखा हुआ है, इसको तो भी बताया हमने इसका प्लूरल क्या होगा। सेकेंड नंबर ब्रांच अगर लिखा हुआ है इसका नंबर है प्लूरल नंबर क्या होगा, और अगर लिखा हुआ है आपका ब्रश मतलब बुश लिखा हुआ है उसका क्या होगा। इसी तरह से टेंस वर्ड देंगे आपको, आर्मी अगर लिखा हुआ है इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, रोग लिखा हुआ है रोग जानते हो, रोटी बनाने से पहले जो घर में छोटे छोटे आटे के टुकड़े कर लिए जाते हैं उसी को लोग बोलते हैं। भूस का क्या होगा, ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके वावेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे फूड को फीड कर लेते हैं टूथ को टीथ कर लेते हैं उसी तरह से भूस को कर लेंगे। वाइफ का क्या होगा, जब लास्ट मेंटर एफिया एफी होता है तो एफिया एफी को रिप्लेस करके भी ईएस ऐड कर देते हैं। चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड के बाद बफेलो का क्या होगा, और लास्ट वर्ड आपके लिए है फॉक्स, इसका पूरा वर्ड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।